कांच को मैंने गोल कट किया, आप किसी भी साइज या शेप में कट करके आप बना सकते हैं। 250 ग्राम बेसन लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार मिर्ची 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच सेंधा नमक लिया है मैंने, आधा चम्मच जीरा, हींग स्वाद अनुसार थोड़ी सी ज्यादा लीजिएगा, आधा चम्मच अदरक छिली कुटी हुई सौंफ, आधा चम्मच अदकचरा कुटा हुआ धनिया, खड़ा धनिया, एक चम्मच के करीब अजवाइन ले रही हूँ, इसको आप हाथ में लीजिए, इसको आप इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए हाथ से और फिर डालिए भजिए में। डेढ़ छोटा चम्मच मौन डाल रहे हैं, मूंगफली का तेल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। अब लम्स फ्री बैटर बनाना है अपने को। आप देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, कितना स्मूथ बैटर बना है, इस फ्लो में रखना है अपने को बैटर को। आप देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और इसे आप बिल्कुल सिम पे कर दीजिएगा। अब ये बेसन में अपन आलू ले रहे हैं, आलू को डिप कीजिए आप इस तरह से, अच्छे से कोट कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से कोट हो गया, अब इसे आप तेल में छोड़िए इस तरह से। इसी तरह से आप प्याज लीजिए, प्याज को भी डालिए बेसन के घोल में, इसे भी आप अच्छे से डिप कीजिए और इसे भी कढ़ाई में डालिए। इस तरह से आप सभी पकौड़े डाल लीजिए कढ़ाई में। अब आप इसे टर्न कर लीजिए। ढाबा स्टाइल चाय बना रहे हैं बिल्कुल, जो घूंटियों में मिलती है, तो पूरा दूध लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रहा है आपको। अब चाय पत्ती डाल रहे हैं, मैंने 3 कप दूध लिया है और ये ताजमहल की चाय पत्ती है, तो 3 चम्मच आप चाय पत्ती लीजिए, शक्कर स्वाद अनुसार, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। बॉईल आने देंगे इसमें, चाय में बॉईल आने के बाद ही आप अदरक डालिएगा। इतना बड़ा पीस मैंने अदरक का किसा है छिलके निकाल कर, अदरक डाल रहे हैं।